हाँ तो दोस्तों, भारती एयरटेल के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको भारती एयरटेल के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, अगर हम बात करें तो आज भारतीय एयरटेल की जो फंड रेजिंग से रिलेटेड जो बोर्ड मीटिंग थी, उसके अंदर बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है और वो अराउंड 21,000 करोड़ का फंड रेज करने वाले हैं वी राइट इशू। राइट इशू यानी कि जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी शेयर इशू करती है और जो मार्केट प्राइस होता है उसके रिगार्डिंग वो शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। तो यहाँ पे कंपनी 535 रुपीज पे एक शेयर अपने शेयर होल्डर्स को देने वाली है। अब देखिए, रेशियो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ है, रेशियो जब बताएंगे। और अगर रिकॉर्ड डेट की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड डेट भी कंपनी एक दो हफ्ते में बताने वाली है। देखिए, रेशियो तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आप एक शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, 535 रुपीज यानी कि अराउंड जो मार्केट प्राइस है उसके कंपैरिजन में 10% डिस्काउंट पे ये शेयर होल्डर्स को शेयर्स मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव है, क्योंकि अगर कंपनी अपने शेयर होल्डर्स से फंड रेज करने में अगर सक्सेसफुल हो जाती है और अगर कंपनी को यहाँ पे डेट लेना नहीं पड़ रहा है 21,000 करोड़ का, तो ये कंपनी के लिए बहुत रिलीफ वाली बात है। क्योंकि भारतीय एयरटेल एक अगर आप देखोगे ग्रोथ स्टॉक है, तो अगर यहाँ पे ये फंड रेज करने में सक्सेसफुल हो भी जाते हैं तो इनको यहाँ पे ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा, और अगर ज़्यादा डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो कंपनी के लिए अच्छी बात है और कंपनी ज़्यादा ग्रोथ पे फोकस कर सकती है। और अगर यही फंड अगर कंपनी 21,000 करोड़ का अगर कंपनी डेट लेती तो अराउंड साल का 1,500 करोड़ का कंपनी का इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ जाता। तो वहां पे कंपनी का पहले ध्यान ये होता कि कैसे वो इंटरेस्ट पेमेंट को चुकाए। अगर यहाँ पे इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे वो इश्यू नजर नहीं आएंगे, यहाँ पे कंपनी का मेन फोकस होगा ग्रोथ के ऊपर। ये एक बहुत अच्छी बात एज अ शेयर होल्डर मुझे लगती है और एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे ये अच्छी बात नजर आती है। अब ये देखिए, 3,26,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अब देखिए, फंड अभी यहाँ पे कंपनी मार्केट में और ज़्यादा शेयर्स इश्यू कर रही है, यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप और बढ़ने वाला है, क्योंकि अराउंड 40 करोड़ और शेयर्स यहाँ पे मार्केट में कंपनी इश्यू करने वाली है। अब अगर हम देखेंगे तो फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा कॉस्टली लगेगा, लेकिन देखिए मुझे लगता है कंसोलिडेशन ओवर हो गया है और जो लगातार पहले लॉसेज आ रहे थे, अब मुझे लगता है कि यहाँ से कंपनी का मेन फोकस ग्रोथ के ऊपर ही है। पहले सर्वाइवल के ऊपर था, अब मुझे ग्रोथ के ऊपर यहाँ पे कंपनी का फोकस होता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो 21,000 करोड़ का फंड रेजिंग है, इसमें कंपनी अपने सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगी और जो फाइबर नेटवर्क कंपनी का चल रहा है वो भी कंपनी बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भारतीय एयरटेल के लिए अवेलेबल है। अब ये देखिए, 2 साल से ये कंपनी लॉस में थी, लेकिन अभी जो पिछले 2 क्वार्टर से इसमें कंपनी ने लगातार 1,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और जो मुझे लगता है इस बार कम से कम इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 6,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, जो कंपनी एज अ शेयर होल्डर भी अच्छी बात है और कंपनी के लिए भी अच्छी बात है। क्योंकि अगर 6,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट करेगी तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए भी कंपनी जाएगी, और अगर वहाँ पे 1-2 चीज़ें अगर सही हो जाती है तो कंपनी के लिए 1-2 साल के लिए कंपनी के लिए कोई दिक्कतें वहां पे नजर नहीं आएंगी। अब ये देखिए, 595 पे यहाँ पे भारतीय एयरटेल का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। देखा जाए तो यहाँ पे 10% ये स्टॉक अभी ऊपर ट्रेड हो रहा है और अभी जो रिकॉर्ड डेट होगा वो अभी आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद वाले ही होगा। तो अभी 1-2 दिन तो यहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छा मोमेंटम रहने वाले ही है। तो अगर देखिए, जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट किया था और अगर यहाँ पे 650 के ऊपर ये भारतीय एयरटेल का स्टॉक जाता है तो मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय एयरटेल काफ़ी अच्छा मुझे नजर आता है और बहुत लंबे टाइम से ये स्टॉक कंसोलिडेट भी कर रहा था और अभी भारतीय एयरटेल के अंदर कुछ नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी न्यूज़ वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।